बिग बॉस का घर हर दिन नए सरप्राइज लेकर आता है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हसीनाएं नॉमिनेट हुई थी। जी हाँ, बेनाफ्शा, सुनावाला, हीना खान और सपना चौधरी के ऊपर इस हफ्ते नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई थी। बता दे कि एमटीवी की विजय बेनाफ्शा को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वैसे बेनाफ्शा का नाम सुनकर बहुत ही कम लोग शॉक हुए होंगे, क्योंकि हीना और सपना की फैन फॉलोइंग काफी है, और जब बेनाफ्शा इनके साथ नॉमिनेट हुई तो सभी ये सोच रहे थे कि इस बार बेनाफ्शा का ही पत्ता साफ होने वाला है। बिग बॉस के शुरुआती दौर में बेनाफ्शा काफी शांत रही और धीरे धीरे वो हीना और प्रियांक के करीब आती गई। बातें तब बिगड़ती हुई नजर आई जब बेनाफ्शा और प्रियांक की नजदीकियां बढ़ने लगी। इनकी वजह से प्रियांक की गर्लफ्रेंड दिव्या ने भी अपने ब्रेकअप की घोषणा कर दी थी। इसके बाद बेनाफ्शा के बॉयफ्रेंड ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। खैर, जब से लोगों ने बोलना शुरू किया है बेन इस घर में कुछ करती नहीं है, तब से बेनाफ्शा ने घर में लड़ाई झगड़े कराने की हर संभव कोशिश भी की। हद तो तब हो गई जब उन्होंने आकाश के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। इस वजह से घर में सभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। खैर, बेनाफ्शा का सफर फाइनली खत्म ही हो गया। वल अब देखना दिलचस्प रहेगा इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन नॉमिनेट होता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा। और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।